Five. Six. Seven. अरे भांजे, सतयुग का महाभारत थोड़े ही है कि अर्जुन जीतेगा। ये तो हमारा अखाड़ा है, दुर्योधन ही जीते। जी जाओ, भाव बढ़ा दो। अच्छा मामा। ज्यादा तो सचमुच हमारे कपड़े बिकवा देगा। जी। एक काम कर। जी। ये गोली ले जाकर दे दे। ये गोली हमारी सोने की लंका बचाएगी। जा। अच्छा मामा। मामा ने तुम्हारे लिए सच्चू की बूटी भेजी है। ये लो, होशियारी से इस्तेमाल करना, समझे? मामा, हमने संजीवनी बूटी दे न दिया। तब बुड़बक कहीं का। संजीवनी बूटी नहीं ना, अंधजीवनी बूटी। की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं। राजू बेटे, तुम्हारी ये हालत किसने की? जिन्हें मुझसे अपनी जिंदगी का खतरा हो, वही मेरी जिंदगी पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन तुम इस हालत में लड़ोगे कैसे? तुम तो बुरी तरह जख्मी हो। ये जख्म तो कुछ भी नहीं, अगर मेरी आखिरी सांस भी मेरे सीने में अटकी होती तब भी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ता। आज अगर मैंने ये लड़ाई नहीं लड़ी
तो मेरे उन जख्मों पर मरहम कैसे लगेगा जो मेरे जिगर पर लगे हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मिस्टर राज वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। अंडर अरेस्ट? यस। किस जुर्म में इंस्पेक्टर साहब? इसने पुलिस स्टेशन में घुसकर इंस्पेक्टर कात्रे का खून किया है। ये खून ही है? का भैया खून करके हमारे अखाड़े में कंपटीशन लड़ने आया है? इधर भाई, इनको हथकड़ी लगा लेकर जाओ। ये खूनी का हमारे अखाड़े में क्या काम है? इंस्पेक्टर साहब, हम आपको राजू को गिरफ्तार करने से नहीं रोकेंगे। हमें सिर्फ आधे घंटे की मोहलत चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं राजू के हाथ में हथकड़ी लगाकर आपके हवाले कर दूँ। सॉरी, कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, आधे घंटे की तो बात है। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सर आप ये हो सकता है। ठाकुर साहब ने ठीक कहा। थैंक यू। आधे घंटे में कुछ नहीं बदलेगा। हाँ, ये बाजार जरूर बदल जाएगा। कोर्ट भी आखिरी इच्छा का एहतराम करती है, तो थोड़ी बहुत सुनवाई तो हम कानून के रखवालों को भी करनी चाहिए। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। स्टार्ट। शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं अपनी मौत को ललकारा है। राजू बेटे,
पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो, फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। बच्चे तुम सिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कम चैंपियन चैंपियन इधर तुम लोग अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा। Thank you.
ये बाजार तो बंद। Oh!
बेटर जरा दूसरे किस्म के हैं। ऐसी करनी वैसी भरनी। सुमन, ये तुमने क्यों किया? जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसमें खाई है, उनको झूठा कैसे होने देती राजू? इस राक्षस को मारकर मैंने भी तुम्हारे साथ फांसी के तख्ते पर पहुंचने का रास्ता बना लिया है। साथ जी तो न सके, साथ मरेंगे राजू। राजू, I love you। तमाम गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह अदालत मुजरिम राज वर्मा को सजाए मौत और कुमारी सुमन को उम्र कैद की सजा देती है। क्यों? एक को फांसी और दूसरे को उम्र कैद क्यों? कानून की नजर में एक खून की सजा भी फांसी है और 10 खून की सजा भी फांसी है, तो फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? हमारे मुल्क के कानून में औरतों के साथ ये रियायत बरती गई है। बदल दीजिए ऐसे कानून को जो एक तरफ औरत और मर्द के बराबर होने का ऐलान करता है और दूसरी तरफ औरत को उनके छोटेपन का एहसास दिलाता है। राष्ट्रपति जी, मैं यहाँ सजा माफ कराने की दरख्वास्त लेकर नहीं आई, बल्कि इंसाफ लेने आई हूँ। मेरा और राजू का जुर्म एक है तो सजा भी एक होनी चाहिए, चाहे उम्र कैद हो या फांसी। क्योंकि तुम दोनों ने समाज के गंदे लोगों को खत्म किया है, इसलिए हम तुम दोनों की सजाएं माफ करते हैं। Thank you.